आइए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक यंग टैलेंटेड प्लेयर जो ग्रास रूट का प्लेयर है, मुंबई क्रिकेट का वेल नोन क्रिकेटर है और 20 साल के करियर में बहुत सारे चढ़ उतार देखे उसने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुका है, देन अभी कोचिंग में भी है, आईपीएल खेल चुका है। तो मीन आप समझ गए रहेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विल्किन मोटा। विल्किन, हमारे क्रिकेट के ग्राफ की तरफ से और हमारे हेल एनर्जी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे शो में आए और मैं वेलकम, वार्म वेलकम करता हूँ। और विल्किन, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई, पहला सवाल तो मेरा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि भाई, ये क्रिकेट की जर्नी जो चालू हुई आपकी, वो कैसे चालू हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जलाल सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू क्रिकेट ग्राफ। क्रिकेट तो आई थिंक चालू हुआ मेरे डैड के थ्रू। इट वॉज मोर ऑफ माई डैड्स ड्रीम। मैं तो एक बहुत लेजी लड़का था जब भी छोटा था, तभी जैसा कोई भी एक बच्चा है, बेड से बाहर निकलने के लिए किसको भी सोना ज़्यादा रहता है। तो बट मेरे डैड को बहुत कीननेस था क्रिकेट में, और शायद उन्होंने कुछ तो भी ऐसा देखा रहेगा मेरे में जिस वजह से वो मेरे को काफ़ी क्रिकेट में पुश करते थे मैं जब भी छोटा था तभी। नहीं, मैं डैडी का एक यहाँ रेफरेंस ऐड करना चाहूँगा कि ये न्यूविन ग्राउंड पे बचपन में आपको लेके आया करते, सुबह दोपहर शाम जब भी टाइम मिले साइड में नॉकिंग करा करते थे आपसे। हमारा एक सही बात है ना ये? यस तो डैडी का ड्रीम्स आपने कंप्लीट किया। हाँ। डैडी का क्रिकेट का कैसा रहा? वो खेले क्रिकेट डैडी? डैडी आई थिंक कॉलेज क्रिकेट तक खेले थे, बेसिक लालचंद अपना बॉम्बे सेंट्रल में कॉलेज है वहाँ पे। बट आई थिंक उसको उनको बाद में थोड़ा सा कुछ बैक का इशू हो गया था, सो ही कुड नॉट प्ले फर्दर। लेकिन वो काफ़ी साल तक न्यूइन को खेल रहे थे, बाद में भी जब भी जरूरत गिरा थोड़ा बहुत क्लब क्रिकेट जब भी खेलते थे। हम लोग के कास्ट का क्रिकेट काफ़ी साल तक खेले वो, सो वो हिसाब से उनको क्रिकेट का काफ़ी नॉलेज अच्छा था उनको। और मेनली उन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया है, नो डाउट। न्यूइन नहीं, माटुंगा के हर हर पिच पे, हर कोने में हम लोग ने प्रैक्टिस किया रहेगा। शिवाई पार्क भी कहाँ पे भी वो बहुत लेके जाते थे मुझे, खुद खुद फुल टाइम रहते थे साथ में। उन्होंने मेरे को बहुत बहुत हजारों लाखों बॉल डाले हैं। बिल्कुल, मैंने डैडी की जो ड्रीम्स थे उन्होंने मैंने आपने भी उसको साकार कर दिए, क्योंकि उनकी काफ़ी कड़ी मेहनत है इसके पीछे। मैं खुद देखा हूँ ये सब चीज़ें जो डैडी आप पे मेहनत करते थे बचपन से लेके, तो ये देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ मैं कि आज भी आपके मैचेस में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, आपके बैकबोन जैसे आप कुछ भी रहेगा आपके पीछे खड़े होते हैं। लेकिन स्कूल क्रिकेट कैसा स्टार्ट हुआ? मीन्स जैसा भी एक स्टार्ट हुआ आपका न्यूविन ग्राउंड से, आपने तो बताया कि कोई भी मैदान का कॉर्नर छोड़ा नहीं है आपने, तो ये कैसा डेवलप हुआ आगे? स्कूल क्रिकेट बेसिकली मैं बहुत जब एकदम प्राइमरी मैंने डॉन बॉस्को में किया हुआ है, तभी डॉन बॉस्को जो माटुंगा में है वो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलती थी। आज के दिन में बहुत बेटर खेलती है, अभी उधर रेगुलर कोचिंग वगैरह है। लेकिन तब के टाइम में किंग जॉर्ज, शारदा शर्मा, दी स्कूल्स वर यू नो वेरी, तभी राजा शिवाजी वगैरह टॉप 3-4 स्कूल्स में आते थे। सो मेरे फादर ने अराउंड 5th स्टैंडर्ड मैंने स्कूल चेंज किया डॉन बॉस्को से, उन्होंने मेरे को किंग जॉर्ज में लिखा है। तो किंग जॉर्ज में फ़ायदा क्या था कि लास्ट के 2 या 3 लेक्चर हम लोग को मिस करना मिलता था पीरियड में, और फिर हम लोग 3-ish के आसपास प्रैक्टिस को पहुंच जाते थे। और लकीली मैं दादर में रहता था, तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम, क्योंकि स्कूल नज़दीक है, प्रैक्टिस नज़दीक है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता था। तो स्कूल क्रिकेट बाद में, क्योंकि किंग जॉर्ज में आया तो काफ़ी और मैचेस खेलने मिले, ऑलमोस्ट सेमीफाइनल फाइनल तक जाते थे, तो वो हिसाब से खेलने मिला। उसमें लकीली जो एक सेंटेनरी ईयर किया था, हैरी शील्ड का सेंटेनरी ईयर था, तो उसमें वो साल में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उस साल में हैरी शील्ड ने एक स्पेशल मैच रखा था वानखेड़े पे, जहाँ पे सचिन सर वगैरह काफ़ी लोग खेले थे, तो उसमें मेरे को भी क्या बात अपॉर्चुनिटी है, मिला था खेलने के लिए। तो तब के एक 15 साल के उम्र में एक बार खेलने को मिला था, तभी आई थिंक 14 और व्हाटएवर 10th में था, 9th या 10th में था। वो भी सचिन सर और वानखेड़े स्टेडियम, एक यस ड्रीम। यस 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 और लाइट्स में था वो भी। अरे क्या बात है, तो यानी यहाँ से क्रिकेट का करियर आपका स्टार्ट हुआ और देखो नसीब भी साथ देता गया, कैसा मेहनत भी रंग लाई क्या सचिन के साथ में और वानखेड़े स्टेडियम पे और सेंटेनरी ईयर्स हरिशेल का। तो इन बिटवीन ये किंग जॉर्ज स्कूल के जो कोच थे अपने, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उन्होंने कैसा आपको ये किया? कोहली सर थे तभी, गोपाल कोहली सर थे, सचिन कोहली सर भी काफ़ी इन्वॉल्व थे तभी, तो और मेरे डैड थे। फिर मतलब
वहां पे आप देखो तो तब तब के जमाने में गिन चुन के चार पांच कोचेस थे माटुंगा ग्राउंड पे, आज के दिन में तो हर हर एक न्यू इन में पकड़ लो तो चार कोचेस रहेंगे, लेकिन तभी के दिन एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल, कोई भी रहता था कभी भी हेल्प करने के रेडी था, बाजू में हमारे कस्टम्स के नेट होते थे तो वहां पे भी मुझे कभी भी बैटिंग करने को मिल जाते था, वाजगे सर थे तभी तो वैसे काफी हेल्प था, बॉम्बे में माटुंगा में कहाँ पे भी जाओ तो प्रैक्टिस करने के लिए तभी ना नहीं बोलते थे, खास करके एक बैट्समैन और बॉलर भी था तो बॉलिंग डालने को तो ऐसे भी मिल जाता है, तो वो हिसाब से काफी फायदा होता था माटुंगा का। चलो माटुंगा का यहाँ फायदा हो गया, तो अभी ये जो हरिशील्ड में सेंटेनरी ईयर्स की टूर्नामेंट आपने खेले, वहाँ परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका वानखेड़े पे और वो भी सचिन सर के साथ में? मैं तो उनको आउट हो गया था उनके लेग स्पिन पे स्टंप हो गया, लेकिन उनको एक ओवर डालने को मिला था, सो दैट वाज हाईलाइट दैट टाइम। वो फाइनल्स में मैंने एक्चुअली 90 प्लस रन्स किए थे, इस वजह से मेरे को मैच लगा, हम लोग का जो हरिशील्ड फाइनल्स खेला था हम लोग ने शारदाश्रम के सामने, तो उसमें मैंने 90 प्लस रन्स किया था, तो उस वजह से खेलने को मिला था, लेकिन मैं तो सचिन सर को आउट हो गया और उनको एक ओवर डालने को मिला तो वो एक उसमें ही बहुत बड़ा तब के लिए हाईलाइट था। बिल्कुल नहीं, सबके लिए बिल्कुल, सचिन की गेंदबाजी खेलने मिलना नसीब वाले क्रिकेटर लोग हो आप लोग। मैं अभी जैसा हरिशील के बाद में जब कॉलेज क्रिकेट करियर स्टार्ट होता है, जहाँ से अभी उसके पहले आप तो अंडर 16 वगैरह के लिए भी गए रहेंगे ट्रायल्स के लिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने बॉम्बे क्रिकेट में वैसे काफी लकी रहा हूँ, 14 में मैंने एक दो मैच खेले, 16 में लास्ट ईयर में खेल पाया, 19 में दो साल खेला, सो वो हिसाब से मैंने जो एक्चुअली बॉम्बे का जो क्रिकेट सेटअप जो स्कूल क्रिकेट से अपने को खेलने मिलता है तो वो काफी फायदे का होता है, बिकॉज मैंने देखा है हम लोग जब भी बाहर के स्टेट में भी ट्रैवल करते तो उनका स्कूल क्रिकेट इतना नहीं है, अपने इधर स्कूल क्रिकेट इतना होता है, और अभी तो अंडर 14 अंडर 16 के लेवल पे तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, तो जो जो प्रैक्टिस है जो एक बच्चे को मिलता है वो काफ़ी हद तक फायदा का होता है। और बेसिकली तभी मैंने हेल्प विंगसर का क्रिकेट एकेडमी में भी मैंने सिलेक्शन दिया था, तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया था, तो वासु सर थे वहाँ पे, हमारे रवि कुलकर्णी सर थे, तो वासु सर का भी काफी इन्फ्लुएंस था, इसलिए ही वाज, वो बोलते ना कि टेक्निक एक सेकेंड एक एक साइड पे, लेकिन उनका जो मोटिवेशन था वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था उधर बच्चे लोग के लिए। हम लोग तभी ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ मैं वहाँ का भी एक फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट रहा हूँ, तो तभी कैसा था, तभी स्कूल क्रिकेट था, तभी सुबह को एल्फ जाता था मैं चर्च गेट, फिर घर आता था, स्कूल से प्रैक्टिस से घर पे आओ और अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करो और सो जाओ, ये अपना नॉर्मल लाइफ था। सो दैट्स काइंड ऑफ ईयर एंड ईयर्स डे एंड डे, तो उसका फायदा बाद में धीरे धीरे होने लगा। बिल्कुल, तो इसमें अभी आपका मींस मैं ये समझूंगा कि जैसा कॉलेज क्रिकेट स्कूल क्रिकेट खत्म होते जो प्लस है एल क्रिकेट का भी आपको काफी फायदा हुआ। Yes, वासु परम पे सर के बारे में कुछ खास बात करना चाहोगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं सर के बारे में। सर को मैंने देखा कभी गुस्सा नहीं होते थे, ऑलवेज बहुत पॉजिटिव रहता था सर, एकदम पॉजिटिव रहते थे। उनका एक बहुत फेमस तभी है कि आउट तो सबको ही होना है, तो उसका आउट होकर चिंता करने का मतलब नहीं है, आप जाके अपना बिंदा शॉर्ट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आउट होने के बीच में बैटिंग जाने और आउट होने के बीच में आप कितने रन कर रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आउट के वजह से आप डर के खेलोगे तो फायदा नहीं है, आउट तो होने ही वाला है कोई कभी भी, लेकिन वो कितने रन कर रहे हो, और वो ऑलवेज इतने मोटिवेट करते थे कि अगर आप 2-0 भी कर रहे हो तो भी आपको लग रहा है कि मैं 50-60 लास्ट इनिंग में या 100 ही करके आया हूँ, तो इतना मोटिवेशन फैक्टर उनका इतना था, और वो हिसाब से यू नो ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, नॉट मेरे जिसमें आई थिंक जो भी हेल्प में था, ही वॉज यू नो ऑलवेज कीन टू हेल्प एवरीबॉडी। नहीं, वासु परम पर सर के बारे में खास करके बात करना चाहूंगा यहाँ, क्या सबके लिए नॉट फॉर विल्की के लिए, उन्होंने सबके लिए ग्रास रूट से जितने भी और जितने भी बड़े प्लेयर हो गए, जब भी किसी को कोई दिक्कत आती थी तो वासु सर के पास जाके उन्होंने कंसल्ट किया, और सर ने ऑलवेज मोटिवेशन के ऊपर ही उनको डेवलप किया, उनका मीन्स ये करो वो करो, ड्रिल से ज्यादा उन्होंने मेंटल, तो सर की वो खासियत थी, और हैट्स ऑफ जतिन ऑल्सो, तो एक अच्छा क्रिकेटर हमने भी देखे। इफ यू डोंट माइंड, लाइक तभी आज के जमाने में अभी मेंटल टफनेस वगैरह अभी सोचते हैं हम लोग, तभी तो ऐसा कुछ नहीं था, तो वही रोल आई थिंक अनोइंगली हम लोग को पता नहीं था, लेकिन वो वासु सर यू नो ही वाज ऑलवेज डूइंग दैट इन अ वे गिविंग अस मोटिवेशन, और बाद में के मेरे लेटर पार्ट ऑफ द करियर मैंने सीसीआई ज्वाइन किया तो उसमें भी जतिन का भी काफी इन्फ्लुएंस था, इनके ही वॉज अवर कैप्टन इन टाटाज एंड सीसीआई, तो उनका भी जो यू नो कैप्टनशिप था, जो गेम रीडिंग था, जो उन्होंने हम लोग को पुश किया है, जैसे सिखाया हम लोग को एक्चुअली मैच के बाद बिठा के सिखाते थे कि कैसे कैसे नेक्स्ट डे का प्लानिंग है, टाइम शीट चलने का, तो
फर्स्ट डे मैच होने के बाद हम लोग ऐसे दो तीन जन जो यंगस्टर्स से बैठने का, उनको बोलने के क्या हुआ, कल क्या कर सकते, तो वो जो लर्निंग था ना, जो इंटरेक्शन था, उसकी वजह से बहुत बहुत फायदा होने का। बिल्कुल, तो 16 खेलने के बाद में 19 का कैसा रहा? 16 तो खेले ना आप, कितने साल तक 16 तक रहे? 16 में से पूरा एक लास्ट ईयर खेल पाया। मेरा स्लो ग्रोथ था थोड़ा, आप बोलेंगे तो जो एज ग्रुप क्रिकेट था थोड़ा सा स्लोली ग्रो किया था, लेकिन एक रहता है ना कि किसी का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा लेटर इयर्स में होता है, तो मेरा आई थिंक मेरा केस वैसा था कि आई वाज नॉट वेरी स्ट्रांग एंड बिग फ्रॉम द वेरी यंग एज। थोड़ा सा 18 19 के बाद थोड़ा सा फिजिकल ग्रोथ बाद में हुआ, सो दैट काइंड ऑफ हेल्प मी इन आवर क्रिकेट लेटर ऑन के लिए। उसके बाद उसमें उसके वजह से बॉलिंग में काफी मेरे फर्क आने लगे, एंड लेटर ऑन आई बिकेम मोर ऑफ अ बॉलर बैट्समैन, सॉरी बॉलर बैट्समैन। छोटा था तभी थोड़ा ज्यादा बैटिंग पे फोकस था, लेकिन धीरे धीरे बॉलिंग बॉलिंग बैट्समैन का एक कॉम्बिनेशन बैठ गया था। ऑलराउंडर बन गया। Yes. नहीं, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या ये 14, 16 के बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं उनको ऐसा लगता है मैं अगर 14, 16 में नहीं खेला तो क्रिकेट खत्म हो गया और आगे कुछ ही रहा नहीं, तो ये बहुत जल्दी बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? इस पे एक इंटरेस्टिंग है, ये जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था उसमें काफी थोड़ा रहने पे और थोड़ा सा इस पे भी मेरे को एक ऐसा है कि आप देखोगे जो भी आप एक एक्स्ट्रा 10-20% छोड़ दो, लेकिन ये हम लोग बोल रहे हैं जो मैक्सिमम परसेंटेज का बोल रहे हैं, जो 80% क्रिकेटर्स हैं आप उनका देखोगे तो ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली कि एक कोई कोई बच्चे लोग हैं जो स्लो ग्रोथ करते हैं और कोई है जो पहले से उनका बॉडी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। तो जो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं एक्चुअली दे गो ऑन टू प्ले फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड एट द हाइएस्ट लेवल। क्यों? तो उसके पीछे रीजनिंग ये है कि जब भी यंग है they are practiced, they have put in more years of hard work behind their career, and those who have you know attained physical growth very soon unko bahut baad mein hard work karna padega, unke unke fitness level ko aur improve karne ke liye hard work karna padega. ye apna genes hai, aisa kuch nahi ki jo kuch karne se ho jata hai, apna natural genes hai uske wajah se. lekin research kehta hai ki slow growth is better because that makes you a fuller sports person, not just cricketer, a sports person, and gives you longevity in your career. सबके लिए ये एप्लीकेबल है। yes, every athletes, बिल्किन 19 का कैसा रहा आपका? 16 में कुछ याद है कोई बच्चे, कोई अच्छे अच्छे प्लेयर आपके साथ में खेले जो आज मेरे ख्याल से सब तो आपके साथ वाले सब प्लेयर आज अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं? आई थिंक काफी लोग खेले हैं, मैंने खेला हुआ तो तब के जमाने में साहिल कुकरेजा, he was like couple of years younger to me, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। नायर था मेरे से एक दो साल छोटा था, लेकिन यू नो वी हैव द एग्जांपल्स कि उन्होंने कैसा ग्रो किया है एंड वेयर दे हैव रीच्ड, एंड साथ में खेलने में तभी मेरे साथ खेले हुए मैंने राजेश पवार के अंडर खेला है, वो हमारे कैप्टन थे अंडर 25 में, फिर सुशांत मांजरे करते तभी काफी लोग थे जो आई थिंक मैं जब भी अंडर 23 में तभी गया था, अंडर 21 अंडर 23 होते जो जिसके बाद मैं अंडर 16 खेल रहा था, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% लोग चेंज हो गए थे। यू नो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव सम इश्यूज, फैमिली रहेगा और कुछ रहेगा, और क्रिकेट में भी इट्स नॉट ईजी टू कीप कंटिन्यूइंग, थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी लगता है, तो आई वॉज लकी इन दैट कि मेरे को फैमिली सपोर्ट लास्ट तक था। एक्चुअली इट वॉज मोर ऑफ माई फैमिली सपोर्ट दैट यू नो हेल्प मी टू गो थ्रू सो मेनी ईयर्स ऑफ क्रिकेट। इट्स नॉट ईजी, फिजिकल तो है लेकिन फाइनेंशियली भी थोड़ा सा नो डाउट हम लोग को हेल्प चाहिए। अभी जैसे मैं 19 के बारे में जानना चाहता हूँ, 19 का ग्राफ, क्योंकि उसके बाद में आपका सही क्रिकेट ग्राफ चालू हुआ 19, 25, 23, देन उसके बाद में फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेट में भी आए साइमल्टेनियसली, देन यू प्लेड आईपीएल। तो ये जर्नी मैं 19 के बाद में पूछूंगा आपको एक सवाल, तो 19 तक कैसा रहा? 19 का अच्छा था, हम लोग जोन चैंपियन हो गए थे, फिर नॉकआउट्स में हार गए थे। उसमें जैसे 19 के साथ मेरे जो लास्ट है 16 का था, तभी हम लोग तभी भी क्वालिफाई होके हम लोग जोनल के लिए जाते, तभी जोनल था और जाते थे, तो हम लोग का मैच नॉर्थ जोन के सामने था, तो तभी युवराज सिंह भी सामने खेल रहे थे, तो तभी युवराज सिंह ऐसे थे और हम सब ऐसे थे, तो वो तो छक्के तो आराम से मार रहे थे तभी, तो वो बहुत एक्सपीरियंस, एक आई ओपनर भी था कि यू नो वो बाद में और कितने दो तीन साल में ही इंडिया खेल गया, तभी उतना टैलेंट उतना था, तो यू नो दैट गिव्स यू आई ओपनर है कि कैसा लेवल है बाहर, सिर्फ बॉम्बे में नहीं लेकिन बाहर भी उतना लेवल पे अपने को खेलना पड़ेगा, तो वो एक आई ओपनर होता है। 19 का स्टेट लेवल प्रोग्रेस अच्छा था, उसके बाद कैसे अपने यहाँ पे बीचिप टूर्नामेंट होते थे, अपने कल्पेश कोहली है,
स्पोर्ट्स स्टार वगैरह, तो वो सब टूर्नामेंट्स का काफी फायदा होता है क्योंकि उतने हम लोग मैचेस खेलते थे तो उतना एक्सपीरियंस मिलता था. तो 1923 तभी था, फिर एक साल 25 भी हुआ था तो उसके वजह से काफी फायदा हुआ. 19 के परफॉर्मेंस के वजह से मेरे को तभी टाइमशील में कॉन्ट्रैक्ट पे सेंट्रल बैंक के लिए खेलने को मिला. फिर वहाँ पे दो साल अच्छा करने पे फिर टाटाज ने मेरे को, रेगे सर ने मुझे टाटाज में लिया. जतिन सर और रेगे सर थे दोनों ने मुझे टाटाज में पूछा कि खेलेंगे क्या, तो वो हिसाब से मेरा टाटाज का जर्नी हुआ. मैंने टाटाज के लिए 4 से 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे खेला और फिर लकीली मेरे को वहाँ पे जॉब मिल गया. सो अराउंड 2000-2001 से तो मैं टाटाज के साथ ही हूँ कॉन्ट्रैक्ट और फिर जॉब. तो वो जो काफी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं, ये जैसे कि अभी प्रोफेशनल क्रिकेट आप टाइम्स के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए खेले, अभी टाटा के लिए खेले, तो ये मैं चाहता हूँ कि हर प्लेयर ने खेलना चाहिए क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ में खेलना और उनका शेयर करना और अपना परफॉर्मेंस करना, ये कैसा लगता है? आई थिंक इसमें हम लोग जब मैं जब छोटा था तभी एक सेइंग था कि यू नो यू कैन वॉच एंड लर्न अ लॉट ऑल्सो, विच इज वेरी ट्रू. लेकिन अभी के ऐसा है कि अभी आप जितना खेलोगे उतना बेटर बनने का चांसेस है. वॉच तो हम लोग को अभी, तभी क्या था टीवी वगैरह कुछ नहीं रहता, तो अभी तो टीवी पे वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं मैचेस, काफ़ी सीखने को मिलता है. लेकिन आई वुड अभी मैंने देखा है काफ़ी बच्चे लोग कि मुझे ए डिवीजन ही खेलना है, मुझे बी डिवीजन ही खेलना है, वो नहीं होना चाहिए. अगर आपको सी डी भी खेलने को मिल रहा है आप 14 साल के हो 15 साल के हो तो खेलो. इफ़ यू एज मच एज यू प्ले उतना एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है, उतना खेल खेल के जितना एक्सपीरियंस आता है वो देख के उतना नहीं आ सकता है. सो द मोर यू प्ले द मोर अपॉर्चुनिटी गेट टू परफॉर्म. तो अगर आप कोई भी लेवल खेलोगे और आपने 100-200 कर दिया, 250 कर दिया, जैसे स्कूल क्रिकेट में हमारे पास एग्जांपल्स इतने सारे, सरफराज है, सब सब इतने सारे नाम है, अरमान जाफर वगैरह, कि 200-300 करने से वहां से लाइमलाइट पे आ जाते हैं. तो कोई भी डिवीजन खेलना ये नहीं है, आपको चांस मिलना इंपॉर्टेंट है. तो खेलो, कोई भी डिवीजन मिलेगा खेलना इंपॉर्टेंट है. नहीं, आजकल के तारीख में ये जो मैं आपने बात कही ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे लोग चाहते हैं कि मैं ए और बी डिवीजन खेलूं और कुछ क्लब के नाम मैं यहाँ लूंगा नहीं, बट ऐसे क्लब है कि अच्छे अच्छे प्लेयर वहां बाहर बैठते हैं. इंस्टा को छोटा डिवीजन में खेलने को अपने आप को कम समझते हैं और वहां बाहर बैठते हैं, तो उसका डेफिनेटली उनके करियर पे इम्पैक्ट हो रहा है. तो बाहर बैठने से कहीं भी खेलना इम्पोर्टेंट है, भले लोअर डिवीजन खेलो. इसलिए अगर आपके 2 साल निकल गए, अगर अगर समझो 19 से 20 22 साल का जो रहता है, 18 से 20 22 साल का जो रहता है वो एक पीरियड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक प्लेयर के लिए. क्योंकि अगर आप 24-25 तक अगर रणजी ट्रॉफी नहीं खेले तो आपका ऑलमोस्ट इंडिया खेलने का सपना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. तो वो जो 4-5 साल का पीरियड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो टाइम पे अगर आपको किधर भी खेलने को मिल रहा है और अगर आप परफॉर्मेंस करोगे तो कोई भी टीम आपको आपके सामने से पूछेगी प्लीज प्लीज ज्वाइन अस. हर टीम को एक मैच विनिंग क्रिकेटर चाहिए, तो इफ यू कैन प्रूव योर सेल्फ देन वाई नॉट, कोई भी टीम आपको लेगी. रणजी ट्रॉफी में कैसे आ गया? रणजी ट्रॉफी बेसिकली टाटास का परफॉर्मेंस, सीसीआई का परफॉर्मेंस था. तभी हमारा टाइम शील रेगुलर होता था तो हम लोग लकी थे वो बाबत में. ये साल अभी देखोगे आप 2-3 साल से बारिश के वजह से टाइम शील्ड अभी ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 ईयर से कम्प्लीट नहीं होता है. तभी हम लोग को टाइम शील्ड ऑलमोस्ट 3 लीग मैचेस तो मिनिमम मिल ही जाते थे, कुछ नहीं करके भी कभी अभी एक और एक मैच भी मिल जाता था तो डिपेंडिंग. लेकिन 3 लीग मैचेस यूज टू यू नो वी आर basically selection tournament for Ranji Trophy and also preparation for us and also the seniors. Because all over India mein baat kiya jata hai ki wo in A division ka apna jo time shield tha is as good as Ranji Trophy level. तो अगर आप उधर के टाइम शील्ड में अगर आप 5-6-7 विकेट्स ले रहे हो, हंड्रेड्स कर रहे हो, तो यू हैड अ वेरी गुड चांस टू कम इन टू द टीम. और तभी आई थिंक एक या दो ही स्पॉट रहता था हर टीम में रणजी ट्रॉफी में टू गेट इन टू इट. शायद एक ऑलराउंडर का रहेगा या एक बॉलर या एक बैट्समैन, ऐसे 2-3 ही स्पॉट रहते थे. नहीं तो बहुत मुश्किल, तो उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना था. एक ही इनिंग नहीं, 2 या 3 इनिंग अच्छे खेलने थे तो ही आपको स्कोप बनता था. फिर तो जैसे अगर कोई वहां पे इंजर्ड हो गया या कोई इसका परफॉर्मेंस नहीं आया तो आपका चांस लगना है. बिल्कुल, ये टाटा की टीम से आप खेले, आई मीन ए डिवीजन बी डिवीजन ये सब रणजी ट्रॉफी ट्रायल के लिए होते हैं कंफर्टेबल, तो टाटा की टीम के बारे में क्या बताओगे? टाटास के टीम में मैंने जब भी खेला तो आप नाम सोचोगे तो रोहन गावस्कर, जतिन परांजपे, मनोज जोगलेकर, निशित शेट्टी, अजीत अगरकर, रमेश पवार बाद में आके खेले. सो ये सब नाम थे इतने बड़े बड़े. आई माइट बी मिसिंग कपल ऑफ नेम्स, आई एम सॉरी. नायर था खुद, सो हिकेन शाह वाज देयर हु वाज अनदर यंग, साहिल कुकरेजा था, हिमांशु था. सो लॉट ऑफ बिग नेम्स इनके साथ खेलने के लिए एक तो फर्स्ट यू नो इट वॉज अचीवमेंट इट सेल्फ. और मुझे पता है कि
हमारा फर्स्ट मैच जब मैंने डेब्यू किया था टाटाज के लिए, तो हमारा तभी ओरियंट शिपिंग के साथ था, और ओरियंट शिपिंग के लिए तभी बहुत अच्छी टीम थी, अभी सर खेलते थे, अभी कुरिला सर कैप्टन थे और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई थी, और जब भी मैंने कुछ आई थिंक 2 या 3 विकेट लिए थे, और तभी एक ऐसा किस्सा था कि अभी सर बैटिंग को आए और फिर मुझे आके जतिन सर ने बोला कि उसको बाउंसर डालो, तो बोला ठीक है, मेरा बाउंसर थोड़ा ठीक ठाक था, तो मैंने बॉलिंग क्रीज पे गया, पोलिस जिमखाना पे मैच था, क्रीज पे जाके अपना रनअप पे जाके मैं देख रहा हूँ, अरे भाई इनको अभी बाउंसर डालू तो डालू किधर, कितना आपटना पड़ेगा, उनका हाइट इतना था, तो ऐसे सिचुएशन है जो हमारे को लाइफ टाइम याद रहते हैं। सो और सिमिलर सिचुएशन रणजी ट्रॉफी में भी हो गया था, व्हेन आई वाज प्लेइंग हम लोग का मुंबई वर्सेस बंगाल जो भी फाइनल्स था, जो हम लोग यहाँ पे जीते थे वानखेड़े पे, तो सेम सचिन सर ने आके मुझे बोला कि बाउंसर डालो, गांगुली का फर्स्ट बॉल था, वो जस्ट आउट हो गया था, मैंने मनोज तिवारी को आउट किया था और गांगुली सर बैटिंग को आए थे, तो वही था कि अभी तभी प्रेशर इतना रहता है, फर्स्ट टाइम खेल रहे हो आप ऐसे बड़े एनवायरनमेंट में, तो बाउंसर डालो उनको, तो ऐसा सोचना पड़ता है कि कैसे डालो, अभी वो इंडिया के कैप्टन थे ऐसे, तो ऐसा है कि बट क्रिकेट है, यू हैव टू एंड दैट्स हाउ यू लर्न। नहीं तो फास्ट बॉलर का वेपन है आपका, बट अभी को बाउंसर किधर तक गया, उसके वेस्ट लाइन तक गया तेरा? आई थिंक छाती तक आ गया था मेरा बाउंसर थोड़ा ठीक था, तो और पुलिस जिम का ना विकेट भी हार्ड रहने का, तो उसके लिए हेल्प हो गया था, तभी नदीम सर थे तो विकेट बॉय काफी अच्छा। क्या बात है, नहीं अभी तो जायंट यार, ह्यूज बंदा है, उसको ऐसा देखोगे सामने से बाउंसर कहाँ से, ग्रेट। तो और दोनों में फर्क आया ना, मींस दादा को तो आपने डाल दिया बाउंसर, डालना ही पड़ा, लेकिन दादा ने मस्त अच्छे इतना, दादा के पास इतना ठीक से नहीं आया, ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट हाई वेस्ट हाइट लो चेस्ट हाइट पे, तो उन्होंने मस्त एक स्क्वायर लेग पे एक रन ले लिया, तभी शायद वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। नहीं तो ये जो अभी आप खेलते हैं, अभी ऑलमोस्ट उन्हीं के साथ में आप लोग फाइट कर रहे थे इंटरनेशनल क्लास प्लस आप स्टेट की टीम से, तो डेफिनेटली इसमें फर्क होता है ना इंटरनेशनल क्लास में वगैरह, और आप जो खेलते हैं स्टेट लेवल का, बट यू पीपल आर लकी के एटलीस्ट सबके साथ में आप लोग खेलते हो, और सचिन सर बोल रहे हैं कि भाई उसको बाउंसर डालो, सो एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद में आपकी जर्नी चली आईपीएल के लिए, तो आईपीएल का सिलेक्शन कैसा है, आप सिलेक्शन को गए थे या डायरेक्ट आपको बुलाया गया? आई थिंक फर्स्ट ईयर था, तो तभी वो फर्स्ट ईयर में क्योंकि सब चीजें इन अ स्पेस ऑफ 1 month हो गए थे, आई थिंक फ्रॉम ललित मोदी जी ने तभी जो किया था, तो तभी कैसा था, आई थिंक सिलेक्शन बहुत कम हुए थे, इट वाज मोर ऑफ प्योर लोकल परफॉर्मेंस जो रणजी ट्रॉफी वगैरह में ठीक किया था उन्होंने, तो उनका जो बायोडेटाज वगैरह शेयर होते हैं, फिर आई थिंक मेरा रेफरेंस दिलीप सर से भी गए थे, रेगे सर से भी गया था, तभी वो सब सचिन बजाज थे जो हमारे टैलेंट स्काउट थे किंग्स इलेवन के लिए, तो उनका नाम गया था, तो मेरा पॉल का साहिल का इनका सबका नाम गया था, तो उनमें से सिलेक्शन ऐसे हो गया, सो वो हिसाब से आई वुड से आई वाज लकी ऑल्सो टू गेट इनटू इट, इतना ईजी नहीं आईपीएल में। फर्स्ट ईयर मेरे को 4 matches खेलने मिले, लकीली वानखेड़े पे हमारा सेमीफाइनल जो हम लोग हर गए थे चेन्नई के सामने, बट वानखेड़े पे खेलने को मिला मुझे फर्स्ट ईयर में, एंड आईपीएल के वैसे सेकंड ईयर वी वेंट टू साउथ अफ्रीका, सो दैट वाज वेरी यू नो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अच्छा मिला, वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 8 matches खेले सेकंड सीजन में, सो दैट वाज वेरी गुड, इनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे कंडीशन मीडियम पेस को हेल्प करता था, तो शायद उस हिसाब से थोड़ा फील्डिंग में भी आई वॉज ओके कम्पेयर टू अदर्स, सो वो हिसाब से चांस मिल गया था। बहुत सीखने को मिला उनके यू नो ब्रेटली और इनके सबसे संगकार, और उनको देख देख के भी काफी सीखने को मिला, उन लोगों का प्रोफेशनलिज्म कुछ अलग लेवल पे है, हाउ दे गो अबाउट देयर डे टू डे प्रिपरेशन, देयर प्रिपरेशन इज वेरी वेरी यू नो डिफरेंट। इसमें अगर इफ आई मे गिव एग्जांपल ब्रेटली का, मोहाली पे मैच था और वहाँ पे ड्यू फैक्टर काफी प्रॉब्लम आता था, तो एक मैच में कुछ तो भी स्लॉग वर्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गया, तो नेक्स्ट डे मैंने देखा तो ब्रेटली बॉल गीला करके बॉलिंग डाल रहा था, तो बेसिकली ड्यू के वजह से जो उनको तकलीफ हुआ मैच में और उसके वजह से थोड़े बहुत रन गए, तो उन्होंने नेक्स्ट 2 सेशन जो प्रैक्टिस के हमारे पास अवेलेबल थे उन्होंने थोड़ा बॉल गीला करके पुराना बॉल बॉलिंग डालने को देखा, तो उसके पीछे उनका रीजन वही था कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कर लेता हूँ, थोड़ा गीला बॉल का अगर मुझे आइडिया आ जाता है कि कैसे डालना है, तो मेरे को मैच में उतना फायदा हो जाता है, तो इस तरह का प्रैक्टिस उन लोग करते हैं, इस तरह से दे थिंक, एंड इसके लिए उतने साल वो परफॉर्म्स कर पाए, इतने यू नो ग्रेट्स बने क्रिकेट के। नहीं इनफैक्ट मैं कल का भी जिक्र करूं, जो कल की जो आईपीएल मैच थी, तो फास्ट बॉलर ने फुल टॉस भी डाला, 2 बॉल वाइड भी डाला, मीन ड्यू फैक्टर की वजह से काफी दिक्कत होती है, और उस वक्त मेरे भी दिमाग में आया कि भाई इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी की जाए, कैसा डेवलप की जाए, तो आपने बहुत अच्छा शेयर कर दिया क्या ब्रेटली जो है गीला बॉल करके बॉलिंग डालते थे, इज अ ग्रेट।
2008 में जब भी मुझे चांस मिला था आईपीएल में किंग्स इलेवन के लिए खेलने के लिए, इट वॉज लाइक वेरी बिग स्टेज फॉर मी. कभी भी इतने बड़े नामों के साथ कभी खेला नहीं था. युवराज सिंह, यू नो संगकारा, जयवर्धने, ये सब सब प्लेयर्स इतने बड़े थे. जेम्स होप्स, शॉन मार्श वगैरह, इतने सारे नाम थे वगैरह. तो काफी यू नो आँख काफी खुल गए थे, यू नो कि कहाँ पे आगे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. उनके उनका जो प्रैक्टिस था, उनका जो वे था करने का, काफी सीखने जैसा था. तो उसका फायदा मुझे बाद में हुआ, क्योंकि थोड़ा सा रियलाइजेशन होने के बाद जब भी मैंने उसके हिसाब से प्रैक्टिस करने लगा, मतलब जैसे मैंने एक बोलूंगा तो ब्रेटली का मैंने बोला, उसके बाद और एक संगकारा का था. तो जब भी संगकारा के साथ एक बार ऐसे बैठ के बात कर रहे थे कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो, तो उसमें उसने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि वो ऑलवेज मैच के अगले दिन बॉलिंग मशीन पे एक 15-20 मिनट का बैटिंग करने का, और वो सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव्स खेलने को देखने के. तो उसके पीछे का उनका ये था कि जब भी मैं अगर सीधा खेल रहा हूँ, अगर मैं सामने के वी में अच्छा से खेल पा रहा हूँ, तो मेरा बैलेंस अच्छा है. अगर मेरा बैलेंस अच्छा है तो मेरे सब मूवमेंट ठीक से हो जाएंगे, मेरा हेड अच्छा है. तो ये उनका पॉइंट था. तो इस तरह से वो अपना प्रिपरेशन करते थे. तो ये छोटी छोटी बातें जो बहुत फायदे का होता है, जो हमको ऐसे पता नहीं रहता है, लेकिन वो कैसे यूज करते हैं वो पता चलेगा ना, उस पीछे का रीजन क्या है, तो उससे हम लोग को काफी फायदा होता है. कि वो बेसिकली उनका रीजन ये था कि अगर मेरा बैलेंस अच्छा है और अगर मैं स्ट्रेट ड्राइव ऑन ड्राइव अच्छा से खेल पा रहा हूँ, तो मेरा तो मुझे पता भी चल रहा है कि इट जस्ट गिव्स मी अ रेफरेंस कि मेरा बैलेंस ठीक ही है. अगर मैं ऑन ड्राइव ठीक से नहीं खेल पा रहा हूँ, स्ट्रेट ड्राइव ठीक से नहीं, तो मेरा बैलेंस ठीक नहीं है. मतलब कुछ तो भी मुझे इम्प्रूव करना है उसमें. किंग्स इलेवन पंजाब का आपका रहा एक्सपीरियंस, बट मैं तो चाहता हूँ कि गॉड ऑफ क्रिकेट के साथ में आपने आई मीन तेंदुलकर सर, सचिन के साथ में रूम शेयर किया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखा रहेगा आपने जिंदगी में. आप उसके उनके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम ही है. उनका ऑरा ही इतना खास है ड्रेसिंग रूम में, कि इतना पॉजिटिव रहता है और इतना डिसिप्लिन रहते हैं वो अपना. आप उनका ड्रेसिंग रूम देखेंगे तो उनका जो सामान रहता इतना ऑर्गेनाइज रहता है कि हम देख के भी हैरान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे देख के हैरान हो जाते हैं. उसी दिन मैंने अभी जस्ट कल युवराज सिंह का एक छोटा इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने भी वही बोला. तो वो जब भी आए थे तो उन्होंने फर्स्ट सीट सचिन सर के पास लिए थे इंडिया टीम में, तो उनसे भी उन्होंने काफी सीखा था. तो मैं रणजी ट्रॉफी फाइनल्स एक ही खेला हूँ इन फर्स्ट 11, दो फाइनल्स के पार्ट रहा हूँ और हम लोग लकीली दोनों जीते, लेकिन एक मैं बाहर बैठ के था और एक खेला हुआ हूँ लकीली. और वो खेला मैंने फाइनल्स तो मोस्टली सचिन सर के वजह से ही खेला, क्योंकि नॉर्मली फाइनल्स में हम लोग तीन मीडियम पेसर दो स्पिनर के साथ जाते हैं, लेकिन सचिन सर को ऐसे था कि एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर ऑलराउंडर खेलना है, तो वो हिसाब से मुझे एक वो फाइनल्स में चांस मिल गया था जो बंगाल के सामने. और ऐसा हो गया था कि मैं खेला तो सही और हम लोग का फर्स्ट बैटिंग आ गया, तो मुझे तीन नंबर भेज दिया थोड़ा सा वो पीरियड खेलने के लिए. जो बोलते हैं हम लोग वानखेड़े पे, जो ऑलवेज बोलते हैं कि फर्स्ट 2 आवर्स बहुत क्रूशियल हो जाता है, तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन वॉट एवर थोड़ा सा थोड़ा बहुत 20-25 मिनट खेल पाया, तो वो एक फायदा हो गया था. और सेकेंड इनिंग्स में वापस मैंने नाइट वॉचमैन गया था, तो सचिन सर के लिए नाइट वॉचमैन गया था. मेरा बैटिंग नंबर तो नीचे रहने का, लेकिन मैंने वो सेकेंड इनिंग में भी वापस 4 नंबर पे बैटिंग किया था, जो नॉर्मली सर का नंबर है, जो सर नॉर्मली 4 डे जो लॉन्गर फॉर्मेट में 4 नंबर प्रेफर करते हैं बैटिंग करने का. टेस्ट मैच में भी देखा है हम लोग ने. तो आई वेंट एज अ नाइट वॉचमैन और लकीली लास्ट 15-20 मिनट खेला, और नेक्स्ट डे भी मैंने 20-25 मिनट, रन ज्यादा नहीं बना पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि मैं टाइम खेलूँ, तो वो काफी था. और सर ने दोनों इनिंग में हंड्रेड्स किए थे, तो आई डोंट नो, बट we won that game. So बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और फिर सचिन सर के तभी सचिन सर का एक जो तेंदुलकर करके अपना जगह था टाउन में कोलाबा में, तो वहां पे सर ने सब लोग को फाइनल जीतने पे पार्टी भी दी थी. क्या बात है, क्या बात. नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जैसे कि नाइट वॉचमैन और एक सर का प्लान था कि भाई आप आधा घंटा एक घंटा खेलने के लिए चले जाओ स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे के स्पीड, तो वो प्लान में आपको यानी कि बेनिफिट ही हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं. और मीन्स उसमें कि आप सचिन सर के इसमें भरोसेमंद पलंदाज यानी बैट्समैन निकले आप, कि आपने उनका भरोसा काफी किया. तो और कुछ सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? और सर के साथ में मेरे ख्याल से वो पूरी टीम ही आपकी स्ट्रांग थी वो पीरियड में, जो आप 1-11 तक ले लो आप प्लेयर, तो ऑलमोस्ट सब स्ट्रांग प्लेयर थे. सब सभी स्ट्रांग प्लेयर्स थे.
आप देखोगे तो रोहित शर्मा से लेके वसीम जावर से लेके जो आप नाम लोगे, अजीत अगरकर, जो भी रमेश पवार, जो भी नाम लोगे, सब स्ट्रांग ही था, मतलब सब इंडिया ही खेले हुए थे आप बोलेंगे, तो मेरे तीन दो मेरे प्लेयर हिसाब से छोड़ के 7-8 प्लेयर रेंज, 8 प्लेयर इंडिया आराम प्लेयर से, थे, सेवन टू जहीद एट खान प्लेयर सर थे, सब लोग थे, तो एक बिल्कुल दो तीन हम बिल्कुल लोग जैसे छोटे नाम निकाल देंगे तो सब ऑलमोस्ट कभी ना कभी इंडिया खेले हुए, साईराज बहुपले, मतलब सब लोग कभी, नीलेश कुलकर्णी, सब लोग कभी ना कभी इंडिया खेले हुए, तो वो स्टेज पे उनके साथ खेलना ही बहुत यू नो बड़ी बात थी। और उनके साथ खेल खेल के भी आप वो जो ग्राउंड पे डिसिप्लिन रहता है, और जो मेन तो है कि जो फाइटिंग स्पिरिट रहता है, कि उनका जी एक ही था कि जब तक लास्ट बॉल होता नहीं है, जब तक लास्ट रन होता नहीं है, तब तक मैच खत्म नहीं हुई है, तो हमको मैच खत्म करके ही आना है। और वो सेकेंड इनिंग में काफी टाइट भी चल रही थी, तो सचिन सर काफी एंग्रोस थे, काफी सब लोगों को काफी मोटिवेट भी कर रहे थे कि नहीं कैसे भी निकालना। और वो साल बॉम्बे क्रिकेट के लिए बहुत, एक बोलेंगे ना तो अप्स एंड डाउन वाला था वो साल, बिल्कुल वो ईयर था कि जब भी हम लोग फर्स्ट 3 मैचेस में 0 पॉइंट्स थे। अब आपको याद रहेगा तो प्रवीण सर थे हमारे कोच और अमोल सर हमारे कैप्टन थे, तो फर्स्ट 3 मैचेस में हम लोग ने 0 पॉइंट्स लिए थे, और कभी ऐसा इंडिया अब बॉम्बे क्रिकेट में कभी हुआ नहीं रहेगा। और फिर वहां से हम लोग फाइनल जीते थे, और सेमीफाइनल में हम लोग 0-5 थे सेकेंड इनिंग्स में बड़ौदा के बिल्कुल सामने, तो वो साल बहुत अप एंड डाउन रहा था। और सेमीफाइनल्स में हम लोग के पास जो हमारे फाइनल में स्ट्रेंथ था, सचिन सर थे, जहीर खान थे, सब लोग थे, सेमीफाइनल में ये कोई अवेलेबल नहीं था क्योंकि उन लोग इंडिया के लिए तभी मैच था उनका चालू, तो सेमीफाइनल निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास, बिल्कुल तो 0-5 से हम लोग निकाला था। मैंने दोनों इनिंग में तीन तीन विकेट लिए थे, और 0-5 पे मैं और नायर बैटिंग कर रहे थे, और वहां पे मैंने 33 रन किया था, और फिर बिल्कुल विनायक सामंत और नीलेश कुलकर्णी सर का बड़ा पार्टनरशिप हुआ था, तो उससे हम लोग को लकीली फाइनल में आया, तो शायद उसका ही किधर फायदा हो गया, वो कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे फाइनल में खेलने मिला, नहीं तो शायद खेलने भी नहीं मिलता था। लेकिन ये सब जितने भी नाम मैंने जो टीम में देखा अभी, कम से कम 8-10 प्लेयर, मैंने पूरे सभी इंडिया प्लेयर थे उसमें, आप एक दो प्लेयर ही जो न्यू फेसेस थे उसमें। सो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सब इंडिया कैप है, सब अपने अपने जगह पे मास्टर्स हैं, सब मीन्स एक वेल सेटल्ड वेल एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, तो इनका ईगो कैसा रहता है ग्राउंड पे? बस हर एक का ईगो होता है या नहीं होता है इसमें, एज ए टीम में क्या सोचते हैं? ईगो बोलना थोड़ा सा ये रहेगा, मैं ये या बोलूंगा उनका एटीट्यूड, जो उनका उसको हम एटीट्यूड जो है, हाँ लोग उनका एटीट्यूड ईगो लेते था, हैं मतलब ईगो उनके को, क्रिकेट के बारे में जो था, कि जी एटीट्यूड। आज का हम लोग ईगो जब भी ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि आदमी को ईगो है, लेकिन उनका जो ईगो था अपने क्रिकेट के लेके के था, अगर मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ तो मुझे परफॉर्मेंस करना ही है, और उसके लिए वो बिल्कुल लड़ते भी थे, कैप्टन रहेगा कि कोच थे, लेकिन जब वो ग्राउंड पे जाते थे अगर बॉल आया, बॉलर है तो 5 विकेट लेना है, ये उनका ईगो था बिल्कुल कि कैसे मेरे को कौन बाहर बिठा सकते हैं, कि कैसे कोई मुझे बॉलिंग नहीं देगा। और या जब भी ट्रू बॉल आता था तो उनका ये था कि बस मुझे अभी बॉल छोड़ना नहीं, तो बॉल छोड़ेंगे नहीं तो विकेट निकालना है, 5-6 विकेट ही निकालते थे डायरेक्ट, तो वो उनका वो गेम्समैनशिप था कि उनको प्रूव करना था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आप कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हो, मैं देखता हूँ मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो। वो बैट्समैन था तो ऑलवेज 100 करता था, तो तभी ऐसा था कि मीडियोकर क्रिकेटर कभी खेल नहीं सकता था बॉम्बे के लिए, एटलीस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, आपको चांस मिल जाएगा, तो बिल्कुल यू हैड टू बी अ मैच विनर, यू हैड टू बी समबडी हु कैन गेट 5 विकेट्स और स्कोर 100, अगर आप 2-3 विकेट ले रहे हो या 40-50 रन कर रहे हो तो शायद आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन लॉन्जेविटी नहीं मिलेगा। और वही चीज किधर ना किधर मैं बाद में सीखी, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन वही था कि अगर बॉम्बे के लिए आपको लंबे समय तक खेलना है तो आपको या तो 100 करना है या तो फिर 5 विकेट्स लेना है, बिल्कुल उसके सिवाय कोई 4 विकेट या 80 रन नहीं चलेगा। ये आपका रणजी ट्रॉफी करियर्स कब तक रहा? मैंने काफी स्प्रेड आउट खेला है, मैंने कंटिन्यूसली मैं इतना नहीं खेल पाया, 5 से 6 मैच मैंने कंटिन्यूसली खेला है बॉम्बे के लिए, मैंने ऑलमोस्ट 25+ मैचेस खेले, लेकिन उसमें मैंने बीच में 2 साल त्रिपुरा के लिए भी खेला, तो लास्ट मैच मैंने बॉम्बे के लिए खेला वो वॉज इन 2014, विच वॉज माई काइंड ऑफ एंड ऑफ माई रणजी ट्रॉफी करियर। फिर से कमबैक किया मुंबई के लिए आ गए फिर से। मीनवाइल यस यस, टाइम कहाँ कहाँ से खेले आप? जस्ट त्रिपुरा से खेला मैंने 2 साल, बस एक ही जगह पे गया था, वो भी जी वहाँ पे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, त्रिपुरा कभी तभी प्लेट एलीट फॉर्मेट रहने का रणजी ट्रॉफी में, तो ओके त्रिपुरा कभी भी उनके प्लेइंग डेज में कभी भी क्वालिफाई नहीं होते, तभी प्लेट और एलीट का था, तो हम लोग जिस साल खेले थे, सॉरी हम लोग जिस साल खेले थे हम लोग क्वालिफाई हो गए थे नॉकआउट्स के लिए, सो बिल्कुल हम लोग
जो एलीट से आ रहे थे उनसे हम लोग क्वार्टर फाइनल खेले, हम लोग अनलकीली हरियाणा से हार गए। अगर जीतते थे तो नेक्स्ट मैच बॉम्बे था, तो शायद आप क्या शायद आप बोलो लकी थे कि नहीं थे, बाद में वसीम और सब 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 थे तो शायद बच गए, शायद आप बोल सकते हो। लेकिन बात वो एक एक्सपीरियंस था। और हम लोग ने कलकत्ता को भी, बंगाल को भी हराया था त्रिपुरा टीम में। सो दैट वाज माय हाईलाइट। आई वाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन ईस्ट जोन। सो वो है, मेरे लिए काफी एक अचीवमेंट जैसा था। मतलब बाहर जाके खेलना और परफॉर्मेंस करना इतना इजी नहीं है, ऐसे लगता है बहुत इजी, लेकिन वहां पे जाके मतलब आप भी दो या तीन प्लेयर हो जिसको करना है तो आपके आसपास दूसरे प्लेयर खेलेंगे, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मुश्किल है फिर। ना एज अ प्रोफेशनल प्लेयर भी आप जाके वहां खेले, वहां सक्सेस रह गए, मुंबई छोड़ के आप त्रिपुरा से खेले, तो ऐसा नहीं लगा कि इंडिया क्या मिस करे आपने कहीं को भी? आई थिंक मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, मैं जितना भी खेला काफी लकी था। मैं भी काफी और इम्प्रूवमेंट और हार्डवर्क की जरूरत थी इंडिया कैप के लिए। सो थोड़ा सा रियलाइजेशन जैसा बोला कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन नो प्रॉब्लम। जितना खेला आई वुड से आई एम हैप्पी एंड होपफुली आई हैव मेड माय फैमिली प्राउड। सो ठीक है, यू कांट हैव यू नो नहीं खेला, लेकिन एटलीस्ट आईपीएल खेलने को मिल रहा। सो किधर ना किधर इंडिया आ गया उसमें। इंडिया आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्योंकि जो मेहनत करे आपने, जो परफॉर्म करे, फाइनल मैचेस खेले, जाके अदर स्टेट में जाके हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, तो कहीं ना कहीं दिल में तो बात रहेगी ना कि यार इंडिया कैप खेल लेता, मैं खेलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। क्योंकि आदमी आखिर हर क्रिकेटर जो मेहनत करता है इंडिया कैप के लिए मेहनत करता है, बट लकीली यू गॉट आईपीएल कैप। सो ये सब बोलता हूँ मैं, जैसे कि सोना जितना तपता जाता है, जितना जाता है उतना चमकता है, और ये चमका आपकी अभी आ गई। आप जैसे जितना एक्सपीरियंस लेके आप कोचिंग में कैसे आ गए, और क्या वजह है कोचिंग में आने की? किधर ना किधर अभी पूरा लाइफ क्रिकेट में ही गया था एज अ प्लेयर। और वो जो रिटायरमेंट लेने का भी जो अपना अभी के अभी नहीं, अभी रणजी ट्रॉफी नहीं और किसी तरह जाना है, तो वो डिस्कशन भी और वो एक थॉट भी रहता है जो डिफिकल्ट, हर एक क्रिकेटर के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है कि अभी बोलना कि अभी नहीं, आगे अभी ट्राई नहीं करूंगा रणजी ट्रॉफी के लेके ऊपर के लेवल के क्रिकेट के लिए। तो क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहता था मैं। तो बिल्कुल उसमें दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं कुछ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करूँ या फिर कोचिंग में आऊँ। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए अभी अभी तो लकीली नीलेश कुलकर्णी सर का जो अभी कोर्स है जो करते हैं, जो अच्छा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अभी है, तभी इतना नहीं था बॉम्बे में, तो बाहर जाके करना भी काफी एक्सपेंसिव था। और कोचिंग किधर ना किधर जो हम लोग सीखे हैं, जो मैं इतना बड़ा लेवल खेल नहीं पाया लेकिन काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है जी, जो वो फायदा है। आई थॉट आई कुड स्प्रेड यू नो हेल्प यंगर किड्स। इंटरनेशनल क्रिकेट या सक्सेसफुल क्रिकेटर्स बहुत कम है, हमारा मैक्सिमम बिल्कुल परसेंटेज है जो यू नो समवेयर नॉट द अदर रणजी ट्रॉफी क्लब क्रिकेट या थोड़ा सा रणजी ट्रॉफी के आगे खेल लेते, तो उनको हेल्प करना और उनको दिशा देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरह से बिल्कुल मैंने इम्पोर्टेंट समझा। और मैंने ऑलमोस्ट 2014 में तो मैंने लास्ट मैच खेला रणजी ट्रॉफी का, लेकिन मैंने ऑलरेडी हम लोग का जो बीसीसीआई का जो लेवल वन होता है वो मैंने 2012 में ऑलरेडी कर चुका था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था तो तभी मैंने कर लिया था। एमसीए का लेवल वो किया था, तो किधर ना किधर वो प्रोसेस मैंने पहले ही चालू कर दिया था कि थोड़ा सा सर्टिफिकेशन का। मतलब आप अगर कोचिंग कोर्स करते हो तो आपके गेम में भी काफी हेल्प होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीजें सीखने मिलती है जो आप बाद में सोचोगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है आपके करियर में। बिल्कुल, यानी कि वो कोचिंग कोर्स करने के बाद में ऐसा लगता है अगर ये मैं कर सकता था, या मुझे कोई बताता तो मैं यस डेफिनेटली और यस सक्सेस मींस और यस अच्छा क्रिकेट खेल लेता मैं। यस तो ये लेवल, वो लेवल वन के बाद में, तो मेरे ख्याल से ओवरसीज क्रिकेट भी आप खेले हो? मैं काफी साल इंग्लैंड में एज अ प्रोफेशनल खेला हूँ। तभी हमारे यहाँ आईपीएल वगैरह कुछ नहीं था, तभी रणजी ट्रॉफी सीजन भी छोटा रहने का। अभी तो 8-8, 9-9, 10-10 मैच है, तो जी सीजन बहुत लंबा हो जाता है, तो अभी डिफिकल्ट होता है पब्लिक को जाने का। तभी अपना रणजी ट्रॉफी वगैरह स्टार्ट होने का नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में, तो तभी एक 3 से 4, 4 साढ़े 4 महीने इंग्लैंड में जाके खेलने और मिलने का, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्योंकि वहां पे भी आप एज अ प्रोफेशनल खेलते हो, तो वहां पे तो आप अकेले हो, अगर अकेले करते हो तो मैच जीतने का स्कोप है, नहीं तो फिर टीम का थोड़ा सा वीक है होना परफॉर्मेंस, तो वो काफी नहीं, ये फायदे बिल्कुल का रहा। आपको लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर करके बुलाते हैं, तो यू शुड बी लाइक अ प्रोफेशनल प्लेयर, क्योंकि पूरे आप पे डिपेंड होते हैं। यस सो वहां से भी आपने लेवल 2 किया,
तो उधर एक ये था कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल खेलते हो तो आपको वहाँ पे ईसीबी का लेवल टू करना है, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग बच्चे लोगों को कोचिंग भी करते हैं, तो वो उन्होंने एक रूल किया था कि आप ईसीबी लेवल टू कर लो, तो जब भी आप मतलब वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, जब भी आप बच्चे लोग के साथ कोचिंग कर सकते हो, आप उनको टच नहीं कर सकते हो, कुछ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो रूल्स रेगुलेशंस पता होना अच्छा है। उधर का क्रिकेट का माहौल अलग है, हम लोग को इंडिया में मोटिवेट नहीं करना पड़ता है बच्चे को, वहाँ पे बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है कि वो वापस क्रिकेट खेलने को आए, सो इट हैज़ टू बी वेरी एंजॉयबल, और विच आई फील हैज हेल्प मी ऑल्सो। जब भी मैं अपना कोचिंग करने को देखता हूँ, आई सी टू इट के जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें एंजॉयमेंट एलिमेंट है, अगर एंजॉयमेंट एलिमेंट है तो बंदा जल्दी से सीख लेता है, अगर बहुत सीरियस 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 है तो शायद सीखने में बोर हो जाता है, जो अच्छा है वो तो सीख ही लेगा, लेकिन जो थोड़ा मीडियोकर है उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए वो एंजॉयमेंट का एलिमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं, आजकल भी हम लोग ट्रेडिशनल कोचिंग में ज्यादा विश्वास करते हैं, जो ट्रेडिशनल कोचिंग चलते हैं, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। और जैसा कि आपने ईसीबी के बात की, जो बच्चे लोगों को वहाँ टच नहीं कर सकते, ये चाइल्ड अब्यूज जैसा जो है सब्जेक्ट नया, तो ये अपने ओ लेवल या एनसीए के लेवल वन में है ये सब्जेक्ट? एड्रेस करते हैं उन लोग, आई थिंक अभी अभी जो लास्ट कोर्सेज है उसमें ज्यादा एड्रेस करते हैं, लेकिन जी हमारे यहाँ पे वो इशू आता नहीं है, कोई बच्चा हम लोग कोई मारते तो है नहीं। उधर कैसा है कि आपने अगर किसको बाय चांस टच भी कर दिया और वो बच्चे ने जाके बोल दिया कि अरे इन्होंने मेरे को टच इधर कर दिया, तो वो थोड़ा सा अलग है। तो इंडिया और इंग्लैंड का उधर उधर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में भी कंप्लेंट कर सकता है पुलिस में जाके, सो थोड़ा सा बिल्कुल उधर रूल्स रेगुलेशंस ऐसे है, इसके लिए शायद क्योंकि अपने इतना उतना है नहीं, तो शायद उतना जरूरत भी नहीं अपने इधर। नहीं, चलो, पर वो डिसिप्लिन आपको काम आया, यहाँ भी डेवलप हुआ आपका। यस सो यस, यहाँ आप लेवल वन करने के बाद में फर्स्ट असाइनमेंट कौन सी मिली आपको? मैंने तो काफी जूनियर लेवल से चालू किया, मैं थोड़ा बहुत अपने कंपनी में करता था, थोड़ा बहुत लोकल क्रिकेट में कर लेता था, तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस मिला। फिर मेरे को ब्रेक थ्रू बॉम्बे क्रिकेट में मिला एज अ फील्डिंग कोच बीकेसी एकेडमी में, तो क्या वो बात, फील्डिंग कोच का जो ब्रेक थ्रू मिला मेरे को वो काफी हेल्पफुल था, क्योंकि वहाँ पे काफी चीजें सीखे तो थी, लेकिन वहाँ पे देखा कि काफी लोग कैसे जो हमारे तभी बड़े बड़े कोचेस थे बीकेसी अपना जैसे एकेडमी है वहाँ पे सब आते हैं खेलने के लिए, बाहर के टीम्स आते हैं, तो देख देख के भी काफी सीखने को मिला, काफी प्रोग्रेस हुआ उनके साथ रह के, उनके साथ थोड़ा बहुत ट्रैवल करने को मिला, तभी जब भी टीम के साथ मैं जब भी फील्डिंग कोच था तभी समीर दिघे सर रणजी ट्रॉफी कोच थे, तो उनके साथ मैंने प्री सीजन मैचेस में ट्रैवल किया था एज अ हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, तो उसमें भी उनके साथ काफी प्लेयर्स के साथ रहे, और क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आईपीएल खेला था तो काफी चीजें देखे थे कि कैसे सिस्टमेटिकली सब करते, तो किधर ना किधर प्लेइंग एक्सपीरियंस विद कोचिंग का जो नॉलेज था बिल्कुल हेल्प हुआ। फिर वहां से लकीली नेक्स्ट ईयर फिर वो साल हम लोग ने बोलर्स कैंप किया था जहाँ पे वानखेड़े पे ऑलमोस्ट आई थिंक 10,000+ बच्चे लोग आए थे बोलिंग ये करने के बॉलिंग लिए, स्पेशलिस्ट कैंप के बारे बोलिंग में कह रहे हो? हाँ उन्होंने के बल्लू सर थे, उन्होंने उनमें बोलो सर थे, जी। उन्होंने किया था ये, तो उसमें भी काफी फायदा हुआ उनके साथ इंटरेक्ट करके, बल्लू सर रमेश था उनका साल भी थे तो उनके साथ इंटरेक्ट करके काफी फायदा हुआ था। अभी नानावटी सर थे, मैंने नानावटी सर से भी काफी सीखा, जब भी वो बीकेसी में मैं जब फील्डिंग कोच था बीकेसी में वो कोऑर्डिनेटर कम बैटिंग कोच थे, तो उनके नीचे भी काफी सीखने को मिला, और लास्ट 1-2 साल में अमित पागने से वर्क करके भी काफी सीखने को मिला, ही इज वेरी गुड टेक्निकली, सो उनके साथ काफी सीखने को मिला। नानावटी सर जो अपने एनसीए के जो फैकल्टी मेंबर है वही ना, जो बैटिंग यस कोच यस, इधर कोच दिनेश है, दिनेश नानावटी सर, उन्होंने नानावटी तो सर। राहुल द्रविड़ लक्ष्मण और उन्होंने यस सबके यस साथ काम किया हुआ है, तो उनके साथ काम करने के मिलने के लिए भी काफी आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट पे फॉर दैट सिर्फ उनके साथ काम बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल।